पूरे देश में कांग्रेस व वामपंथी पार्टियों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में आज पूरे देश में केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन व जोरदार नारेबाजी की गई। हमीरपुर के गांधी चौक पर सिट्टू कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की गई। आए दिन बढ़ रही महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को जमकर कोसा गया। वहीं सिट्टू के वरिष्ठ नेता जोगिंदर सिंह ने बताया कि आए दिन पेट्रोल और गैस सिलेंडरों के बढ़ रहे दामों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के जन विरोधी निर्णय ले रही है, जिससे कि आम आदमी को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। आज पूरे देश में वामपंथी पार्टियों सीपीएम की अगुवाई में धरना प्रदर्शन और बंद का आयोजन कर रही है। पूरे देश में जिस तरीके से पिछले कुछ अरसे में रसोई गैस की कीमतों में, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जो बेतहाशा वृद्धि हुई है, उसके चलते जो है आम आदमी का जीना इस देश के अंदर मुश्किल हो गया है। और मोदी सरकार ये खास तौर पर अंबानी और अदानी जो देश के सबसे बड़े तेल और रसोई गैस के व्यापारी हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए जनता के ऊपर जो है टैक्स का बोझ जो है लादा जा रहा है। हमारा देश में एक ऐसी विडंबना है कि हम तेल आयात करने के बाद बहुत से मुल्कों के अंदर तेल बेचते हैं, मगर जिन मुल्कों में तेल बेचा जाता है वहां पर भी जो है तेल की कीमतें भारत के मुकाबले आधी या इसके आसपास है। इसलिए आज हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जो जनता की लूट आप देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, इससे देश का नुकसान होगा और आप देशद्रोह के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए जो है ये प्रदर्शन आने वाले समय के अंदर और भी बढ़ेंगे। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरीके से वायदा किया गया था कि डीजल और पेट्रोल को जो है जीएसटी के दायरे में लाया जाए, उससे जो है तेल की कीमतें आधी जो है उससे कम जो है रह जाएंगी और जनता को जो है बहुत राहत उससे मिलेगी।